जोधपुर में बिलाड़ा इलाके में लांबा गांव में एक ऐसी भयानक वारदात घटी जिसका किसी को अंदाजा नहीं होगा। कौन जानता है दो बच्चों और एक महिला को छोड़कर शादी में जाना इतना भारी पड़ेगा, इतना कि घर में कोहराम मच जाएगा और घर की एक महिला से हाथ धोना तक पड़ जाएगा। जोधपुर में हुई इस घटना ने यह तो बता दिया कि अब किसी पर भी भरोसा करना जरा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि यहां एक पड़ोसी ने ऐसा दगा दिया कि अब शायद ही कोई अपने पड़ोसी पर भी भरोसा कर पाए। वो कहावत है ना कि पड़ोसियों से संबंध अच्छे रखना चाहिए, परिवार बाद में आएगा पर पड़ोसी पहले आकर खड़ा होगा। अब शायद इस बात पर भी यकीन करना जरा मुश्किल ही होगा। शनिवार रात 10:30 बजे की बात है। लूट की नीयत से घर में घुसे आरोपी साहिल खान और इमित्र ऑपरेटर अनिल ने अंजलि उर्फ अंजू को मौत के घाट उतार दिया। हादसे के वक्त लांबा निवासी महेंद्र का परिवार घर से 500 मीटर दूर गांव में ही शादी में गया था। अंजू चिल्लाने लगी तो पोल खुलने के डर से दोनों ने चाकू से अंजू का गला रेत दिया। कुसुम अभी जोधपुर के मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल के ENT वार्ड में एडमिट है। इस पूरे घटना की एकमात्र चश्मदीद कुसुम बताती हैं कि इन 20 मिनट में कैसे आरोपियों ने पूरे घर में सनसनी मचा डाली थी। उसने कहा कि मैं शनिवार दोपहर 3 बजे स्कूल से लौटी। मुझे दादी ने बताया कि आज चाची के यहाँ चली जाना, क्योंकि सभी को पास में ही शादी समारोह में जाना था। रात 8 बजे दादी ने खाना बनाया और हम लोग रात करीब 9:30 बजे सोने चले गए। कुछ ही देर में चिल्लाने की आवाज आई तो मेरी नींद खुल गई। मैंने देखा कि अनिल और साहिल दोनों चाकू लेकर खड़े थे। चाची ने बताया चोरी करने आए हैं, तू अपने पापा को फोन कर। मैंने दौड़कर जैसे ही फोन लिया और कॉल करने लगी तो अनिल ने मेरे हाथ से फोन खींच लिया और पलंग की तरफ फेंक दिया। इसके बाद बदमाशों ने चाची के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया और मुझे नीचे गिरा दिया। मैंने मौका देख फोन उठाया और छत पर जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ भागी। अपने छोटे दादा को फोन लगाया। मैं छत पर चढ़ी और चिल्लाने लगी। तभी मुझे साहिल छत से पकड़कर नीचे ले आया। नीचे आई तब तक अनिल ने एक बार चाची पर हमला कर दिया था। वह बेहोशी की हालत में कमरे के बाहर थी। मेरे सामने अनिल ने देखते ही देखते चाची को कई बार चाकू मारे। सीने से लेकर हाथ पैर और सर तक में चाकू से वार कर उन्हें मार दिया। मैं चिल्लाने का प्रयास कर रही थी लेकिन साहिल ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। अनिल चिल्लाने लगा, साहिल इसे मार, मार इसे। साहिल ने मेरे सीने पर मुक्के मारे। इस बीच काव्या रोने लगी तो साहिल चिल्लाने लगा, अनिल लड़की रो रही है। अनिल काव्या के पास गया और मेरे सामने ही उसके गले पर चाकू मार दिया। अनिल दोबारा मेरे पास आया और मेरे सिर और गले पर चाकू से वार कर दिया। और इतने में ही हल्ला सुनकर मेरी बुआ, जो छोटे दादा की बेटी है, वो वहां आ गई। बुआ को देख अनिल उनके पीछे चाकू लेकर भागने लगा। बुआ भागते हुए चिल्लाई। अनिल और साहिल को लगा कि वे पकड़े जाएंगे और इसके बाद वे वहां से फरार हो गए। बिलाड़ा थाना अधिकारी भंवरलाल बताते हैं कि अंजू के शरीर पर 15 से ज्यादा जगहों पर चोट के निशान हैं। इसके अनुसार दोनों आरोपियों ने करीब 15 से ज्यादा बार अंजू पर चाकू से वार किया था। आरोपियों ने सर से लेकर सीने, पेट, गला, हाथ, पैर और गर्दन पर चाकू से हमला कर डाला। इतना ही नहीं, आरोपियों ने अंजू की 1 साल की बेटी का गला भी बुरी तरह से रेत दिया। उसे 25 टाके आए हैं। अंजू के रिश्ते में देवर प्रेम बताते हैं कि देर रात को अनिल अपने साथी के साथ उनके बड़े पिताजी पप्पा राम के मकान में घुसा। इस घटना की जानकारी लगने के बाद वो मौके पर आए तो उनकी भाभी अंदर कमरे में घायल अवस्था में पड़ी थी। उन्होंने बताया कि इस दौरान अनिल को घर से बाहर भागते समय पीछे से देख लिया था। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी अनिल पड़ोसी ही था। उसे यह पता था कि परिवार शनिवार की रात शादी में जाएगा और इसी वजह से उसने अपने साथी साहिल के साथ मिलकर लूट का प्लान बनाया। ग्रामीण SP धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि आरोपी लूट के इरादे से घर में घुसे थे। कमरे में सामान खंगाल रहे थे तभी अंजू की नींद खुल गई। उसने इमित्र संचालक अनिल और साहिल खान को पहचान लिया। अंजू चिल्लाने लगी तो पोल खुलने के डर से दोनों ने चाकू से अंजू का गला रेत दिया। आवाज होने पर अंजू की भतीजी कुसुम जाग गई थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी अनिल गांव में ही ईमित्र चलाता था। इसके चलते उसे गांव के ग्रामीण भी जानते थे। वहीं ईमित्र के काम के चलते उसके पास गांव के लोग पेंशन, सरकारी योजनाओं और आवेदन के चलते आते जाते रहते थे। घटना की रात भी आरोपी ने महिला के साथ सम्मो देवी को कॉल किया और उन्हें पेंशन सत्यापन के लिए आधार कार्ड की जरूरत बताई। इस पर सम्मो देवी ने उन्हें शादी में होने की बात कही थी और तभी बड़े इत्मीनान से उसने इस वारदात को अंजाम दे डाला। 12 साल की कुसुम और 1 साल की काव्या अभी हॉस्पिटल में है। 1 साल की मासूम को नहीं पता कि वह अपनी माँ को खो चुकी है और कुसुम को घर वाले बार बार यही कह रहे हैं कि चाची का बड़ा ऑपरेशन है, जैसे ही वो ठीक होगी सबसे पहले उसी से मिलने आएगी। मगर घर वाले ये जानते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मासूम की माँ और कुसुम की चाची अंजू किसी के लालच और बुरी नीयत की भेंट चढ़ चुकी थी जो अब कभी लौट के नहीं आएगी।